हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ आकाश कुमार, बाइक प्रोफेशनल एंड आई मिस टू ड्यू टिकन ट्वेंटी नगर लखनऊ। हेलो आप सबका सर। दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, जैसे कि अभी आपने देखा कि मैडम मेरे साथ में है, जो कि नई स्टूडेंट है मेरे साथ में। ये अभी ड्राइविंग कर रही, मेरे साथ में प्रैक्टिस कर रही है मेरी ही आल्टो कार पे। दोस्तों, क्या होता है कि लोग बहुत ही अच्छे तरीके से चीज़ों को सीखना चाहते हैं, एक अच्छे ड्राइवर, एक एक्सपर्ट ड्राइवर बनना चाहते हैं। बट क्या होता है कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि जल्दी कंट्रोल में नहीं आती, जो कि जल्दी ध्यान में नहीं बैठती हैं, तो उन पे बार बार हमें प्रैक्टिस करना चाहिए। तो दोस्तों, पहले तो हम बात कर लेंगे अपने स्टूडेंट, जानते हैं मैडम है, क्या नाम है, इनका आज कौन सा डे ड्राइविंग सीखते हो गया, कैसा कंट्रोल है, कैसा कॉन्फिडेंस है। उसके बाद हम आप सभी को बताएंगे कि हमें एक एक्सपर्ट ड्राइवर कैसे बनना चाहिए, हमें चीज़ों पर कैसे ध्यान देना चाहिए, चीज़ों पर कैसे प्रैक्टिस करना चाहिए और कार को कैसे कंट्रोल करना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा करके नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेना, ताकि हर एक वीडियोज़ हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ी हुई बातें, जैसे कि ड्राइविंग ट्रेनिंग, मैकेनिक, सेकेंड हैंड कार को लेकर के आप तक बातें पहुंचती जाए, आप तक वीडियो पहुंचती जाए। तो पहले तो हम बात करते हैं। हेलो मैम, गुड मॉर्निंग। हेलो, गुड मॉर्निंग। क्या नाम मैम आपका? श्रेया। श्रेया जी, आप कहाँ से ड्राइविंग सीखने मेरे पास आते हैं? मैं गोमती नगर से। गुड। आज आपका कौन सा डे ड्राइविंग सीखते हो मेरे साथ में? आज फोर्थ डे है मेरा। फोर्थ डे आज आपको ड्राइविंग सीखते हो। गुड। अभी फोर्थ डे में आपने क्या क्या चीज़ें सीखी है? मैं थर्ड गियर में गाड़ी चला लेती हूँ। ठीक है। और बेटर थोड़ा सा फील कर रही हूँ, ट्रैफिक थोड़ा बहुत, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा तो नहीं है लेकिन थोड़े बहुत ट्रैफिक में चला पा रही हूँ। पहले ऐसा नहीं हो पा रहा था, कोई नहीं लग रहा था, तो अभी चीज़ें ओवरकम हो गई। अभी आपके घर पे कौन सी कार है मैम? अभी i10 और MU है। गुड। i10 और MU कार है आपके पास, तो i10 में और MU में सबसे पहले आप कौन सी कार चलाना चाहोगे? आई थिंक i10। गुड, ठीक है। अभी आप कौन सी कार चला रहे हो? अभी i10। अभी जो चला रहे हो आल्टो कार चला रहे हो? कोई नहीं, ठीक है, वो i10 और आल्टो में मिस्टेक हो गया, कोई नहीं। ठीक है, तो अभी आप कौन से गियर पे कार को चला रहे हो? अभी फिलहाल मैं सेकंड पे हूँ। सेकंड गियर पे आप अभी कार को चला रहे हो? गुड, ठीक है। तो अभी आपका फोर्थ डे ड्राइविंग सीखते हुए हो गए हैं मेरे साथ में। आपने कहाँ से मेरा कॉन्टेक्ट नंबर पाया? मैंने ऑनलाइन सर्च किया था ड्राइविंग स्कूल्स नियर मी। ओके, तो वहाँ पे तो बहुत ढेर सारे लोगों का नंबर आया होगा सीधे स्ट्रेट। मुझे बेटर लगा ये, क्योंकि एक तो रिस्पॉन्स सही था, चैनल था यूट्यूब चैनल, जिसपे वी कुड चेक। गुड, ठीक है। तो अभी आपको मेरे साथ में ड्राइविंग प्रैक्टिस करते हुए कैसा लग रहा है? मुझे कॉन्फिडेंस लग रहा है। कॉन्फिडेंस लग रहा है, ठीक है। तो अभी हम लोग कौन से रास्ते पे निकले हुए हैं? लोहिया पथ पे हम लोग निकले हुए हैं, CM आवास को हम लोग पार करते हुए जा रहे हैं। ठीक है, आगे से एक गोल चक्कर मिलेगा, वहाँ से फिर से हम लोग यूटर्न ले लेंगे वापस। तो जब भी कभी टर्न करना होता है या फिर यूटर्न करना होता है, दोनों सेम होता है, राइट टर्न और यूटर्न, ठीक है। तो हमें यूटर्न करना है यहाँ पे, तो यूटर्न, हाँ जी, गोल चक्कर लेकर के यूटर्न करते वक्त हमें राइट का सिग्नल देना है मैम प्लीज़। गुड, ठीक है। इस गोल चक्कर से हम लोग यूटर्न ले लेंगे वापस। यूटर्न करते वक्त पहले ही टर्न करते वक्त हमें लाइन चेंज कर लेना होता है और राइट लेफ्ट मिरर यूज कर लेते हैं, बैक मिरर यूज कर लेते हैं, थोड़ा सा स्पीड को भी कम कर लेते हैं टर्निंग टाइम पे, ठीक है। फिर हम लोग कार को टर्न करते हैं, क्योंकि अगर आपकी कार में ज़्यादा स्पीड होगी यूटर्न मतलब कि वापस, ठीक है, अगर आपकी कार में ज़्यादा स्पीड होगी तो फिर आपको टर्निंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि कार वहाँ पे कंट्रोल नहीं होगी, ठीक है। ये आपका यू टर्न हो गया, ठीक है, बड़ा हल्का हल्का इसको। आपने ब्रेक दबाई हुई थी? मैंने कुछ नहीं दबाया था, मैंने क्लच, मेरा ब्रेक पैर ही नहीं है, मेरा क्लच पैर है। चलो, बड़ा ही हल्का था स्पीड। अब जैसे कि यहाँ पे हमें चलना होता है, जैसे कि छोटे या बड़े रास्ते पे जब भी कभी हम लोग चलते हैं, वहाँ पे वाइट पट्टियाँ मिलती हैं हमें, जैसे कि आपके राइट साइड में डबल वाइट पट्टी है। डबल वाइट पट्टी का मतलब कि वो आपका एक दीवार है, एक डिवाइडर लाइन है, और जो सिंगल वाइट पट्टियाँ हैं ये आपके रास्ते हैं, मतलब कि आपके रास्ते बटे हुए हैं, राइट में चलाना है, लेफ्ट में चलाना है या फिर मिडल में चलाना है, जैसे तीन रास्ते हैं।
तीन रास्तों पे आपका राइट वाला जो रास्ता हो जाता है वो ओवरटेकिंग का हो जाता है। ओवरटेक जैसे पीछे से लोग स्पीड में आ रहे हैं वो आपको ओवरटेक करके निकल जाएंगे दौड़ गए। बीच में जो रास्ता होगा मिडिल वाला उसमें आपको चलना होगा। जैसे यहाँ से सीधा जाना है तो सीधा रास्ता कौन सा है वो सीधा रास्ता आपका है, ठीक है। हाँ, राइट रास्ता तो आपका हो गया गोल्फ वाला हो गया और लेफ्ट आपका चिड़ियाघर वाला हो गया, ठीक है। ये सीधा रास्ता आपका हो गया। चलो बड़ा हल्का का स्पीड, तो यहाँ पे सिग्नल देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बड़ा ही हल्का का स्पीड, हाँ हल्के से आप आउट टर्न करो भैया आ जाएंगे। चलो अब बढ़ाओ हल्के हल्के स्पीड, इसी रास्ते पर है ना, ठीक है बढ़िया। अभी एक्सलेटर छोड़ो, मैं क्लच दबाओ और थर्ड गियर लगाओ। मैंने बताया ना कि सीधा स्ट्रेट आगे करेंगे, ये सही है, आपने लगाया गियर थर्ड गियर, ठीक है। हम लोग सीधा स्ट्रेट जाएंगे, ठीक है। थर्ड गियर में जो आपकी स्पीड होगी वो 40 और 45 के आसपास आपकी स्पीड होनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि लोग चलाते हैं कार को कहते हैं ना कि एवरेज निकालना होता है, तो जब आप कोई भी गियर पे कार को चलाओगे उसकी स्पीड मेंटेन होनी चाहिए। जैसे कि फर्स्ट गियर में 10 से 15 के आसपास स्पीड होती है, फिर हम लोग सेकंड गियर कुछ टाइम बाद लगा देते हैं स्पीड को मेंटेन करने के बाद, फिर जब सेकंड गियर लगाते हैं फिर सेकंड गियर पे 20 से 25 के आसपास हमारी स्पीड होनी चाहिए, ठीक है। फिर 30 के आसपास पहुँचने के बाद फिर हम लोग थर्ड गियर लगा लेते हैं, ठीक है। फिर थर्ड गियर की जो स्पीड होती है वो 40-45 के आसपास होती है, 50 करीब हम लोग फोर्थ गियर लगा देते हैं, ठीक है। तो ऐसे हम जब एक स्पीड को मेंटेन रखेंगे गियर के तरीके से, ठीक है, तो हमें कार को चलाने में बहुत इजी रहेगा, कार भी सेफ रहेगी और कार में एवरेज भी बढ़िया आएगा, ठीक है। छोटे या बड़े वाहन अगर किसी को भी आपके बगल से निकलना है या उसको आपको ओवरटेक करना है उसको थोड़ा सा हॉर्न मार के फिर ओवरटेक करते हैं। हम लोग अभी सीधा स्ट्रेट जाएंगे, अब आगे वाले चौराहे पे हमें अगर वहाँ पे रेड सिग्नल होगा तो भी, नहीं होगा तो भी, हम लोग एक बार प्रैक्टिस करने के लिए थर्ड गियर से सेकंड गियर से लगाएंगे, ठीक है। तो जब भी जैसे कि आप थर्ड गियर पे चल रहे हो 40-45 की स्पीड, तो पहले तो हम लोग स्पीड को कम करेंगे। पहले स्पीड कम करो, जैसे कि ब्रेक पे पैर रख लो, हल्का का ब्रेक लगाओ, 20 तक स्पीड लेकर के आ जाओ, ठीक है। और स्पीड कम करो, एक हाथ से स्ट्रिंग को संभालना और क्लच दबा के मैम सेकंड गियर लगेगा। गड्डिया सेकंड गियर आपने लगा दिया, ठीक है। स्लो करके हम लोग निकालेंगे, स्पीड में भी आप निकाल सकते थे और स्लो करके भी निकाल लेंगे हम लोग, ठीक है। स्ट्रेट ही जाना है, हाँ ये रास्ता नहीं, ये रास्ता सीधा, वो तो लेफ्ट हो जाएगा ना, ये सीधा रास्ता, हल्का सा गोल चक्कर लेकर के फिर हम लोग टर्न करेंगे। अभी हम लोग सेकेंड गियर पे चल रहे हैं, अब आपको लगाना होगा थर्ड गियर, ठीक है। एक्सीलरेटर छोड़ो मैम, क्लच दबाओ, ये थर्ड गियर हो गया, गुड छोड़ो धीरे से,